नमस्कार। 2019 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और बीएसपी गठबंधन चुनाव लड़ा। बीएसपी को 10 लोकसभा सीटें मिली, समाजवादी पार्टी को 5 लोकसभा सीटें मिली। बीएसपी के 10 सांसदों में से 2 सांसद अफजाल अंसारी और दानिश अली पहले ही चले गए हैं। अफजाल अंसारी को समाजवादी पार्टी ने अपना टिकट दिया है। और आज अंबेडकर नगर से रितेश पांडे, जो संसदीय दल के नेता भी रहे थे, उन्होंने सुबह सुबह बीएसपी से इस्तीफा दिया। मायावती को चिट्ठी लिखी और कहा कि आपसे हम मिल नहीं पा रहे हैं, बहुत दिनों से कोई वार्तालाप नहीं हो पाया है, इसलिए मुझे अब फैसला करना पड़ेगा और जन समर्थन और अपने समर्थकों के लिए कोई फैसला लेना पड़ेगा। भारी मन से मैं बीएसपी से इस्तीफा दे रहा हूँ। और उसके कुछ ही देर के बाद बहुत ही खुशी मन से उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया। दूसरे एक बीएसपी के और सांसद हैं जौनपुर से, वो राहुल गांधी के, उनके भी कदम बीएसपी से बाहर निकल चुके हैं। यानी 10 लोकसभा के सांसद जो जीते थे, अब चुनाव होते होते देखिए कितने बचते हैं बीएसपी में और वो चुनाव लड़ते हैं। मैं आज उसी अंबेडकर नगर में हूँ जहाँ से रितेश पांडे पिछली बार चुनाव जीते थे और इस बार भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट बनकर के उतरे हैं। समाजवादी पार्टी ने लालजी वर्मा को अंबेडकर नगर से अपना उम्मीदवार पहले ही घोषित कर दिया है। एक समय अंबेडकर नगर बीएसपी का गढ़ माना जाता था। मैं एक चाय की दुकान पर हूँ, यहाँ कुछ लोग बैठे हुए हैं, मैंने सोचा यहीं से शुरुआत करता हूँ। और वैसे अंबेडकर नगर के अलग अलग इलाकों में भी और ग्रामीण इलाकों में आपको ले जाने का काम करूँगा। आप ये बताइए, ये रितेश पांडे का बीएसपी से बीजेपी की तरफ जाना अंबेडकर नगर वालों के लिए झटका है, खुशी है, निराशा है? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, ना खुशी है, ना निराशा है, ना झटका है। वो नेता है, अपना गए हैं, जनता अपना फैसला करेगी। आपको लगता क्या? हमको लगता है कि लड़ाई होगी उनकी सपा से भाजपा से लड़ाई होगी। समाजवादी पार्टी के लालजी वर्मा उम्मीदवार पहले ही घोषित है, तो उनके मुकाबले रितेश पांडे कैसे होंगे? कमजोर पड़ेंगे। इसलिए यहाँ जो लालजी वर्मा का स्टेटस है, उनका जो व्यवहार है वो बहुत अच्छा है, और वो बराबर यहाँ 6 बार विधायक रहे हैं, और उनका टांडा क्षेत्र में, कटेहरी क्षेत्र में, अकबरपुर में अच्छा प्रभाव है। तो ये एक बात, और रितेश पांडे के पिता राकेश पांडे समाजवादी पार्टी से विधायक भी है, तो ऐसा लगता है 27 फरवरी को जो राज्यसभा के चुनाव होने वाले हैं, बीजेपी ने एक वोट का भी इंतजाम कर लिया, क्या राकेश पांडे भी चले जाए? अभी वो जाने, राकेश पांडे जाने क्या करेंगे। इन नेताओं का तो हम बता सकते हैं, पब्लिक बता सकती है नेताओं के बारे में, ना पब्लिक के बारे में नेता बता सकते हैं, नेता के बारे में पब्लिक बता सकती है। सबके अपने अपने विचार हैं और समय परिवर्तन होता रहता है। जनता बढ़िया निर्णय ले लेना तो नेता की कोई महत्व ही नहीं रह जाएगा, जनता का। आपको क्या लगता है? भाजपा जीतेगी, रितेश आए स्वागत है। यहाँ कितनी विधानसभा सीटें हैं? 5। भाजपा के पास कितनी है? 0। पिछली बार लोकसभा, लेकिन शून्य का महत्व 1, 2, 3, 5 सबसे अधिक है। शून्य को आपके यहाँ नहीं महत्व होगा। तो इस बार शून्य पा जाए बीजेपी यूपी में तो ठीक मानेंगे सब? 70-75 जाएगी, जिसको रोकना होगा रोकेगा। तो हम ये कह रहे हैं कि 2022 का जो चुनाव विधानसभा का हुआ, खाता नहीं खुला बीजेपी का, 2019 का जो लोकसभा चुनाव हुआ, बीजेपी हार गई ये सीट, उसके बावजूद भी आपको लगता है इस बार जीतेगी? जीतेगी, रितेश पांडे की वजह से, भाजपा की वजह से जीतेगी। तो रितेश पांडे की जरूरत भाजपा को क्यों पड़ी? उनको भी जरूरत थी भाजपा की। नहीं, तो ये जो है, आपको लगता है भाजपा को रितेश पांडे की ज्यादा जरूरत थी? प्रधानमंत्री मोदी जी क्यों परेशान है? भाजपा जीतेगी, मैं क्यों परेशान रहूं? मैं तो आपसे खाली ये पूछ रहा हूं कि पीछे 2 चुनाव हुए भाजपा हारी, तो इस बार भाजपा फिर हार जाती, इसलिए रितेश पांडे को लाई? भाजपा ने काम किया है, भाजपा उस आधार पर जीत रही है। अरे भैया, 5 साल से भाजपा के तमाम नेता यहाँ कुर्ता धोती आयरन करा कर लखनऊ दिल्ली घूम रहे थे कि अब की लोकसभा का टिकट मिलेगा, और एकाएक से रितेश पांडे आ गए। अब उनका 5 साल स्वागत है, जो आ गया पार्टी। तो मैं ये मान रहा हूँ कि यहाँ का पीठ पे नहीं
कमल पर मोहर मारेंगे। आपको चिंता होगी जो कहेगा, सब भाजपा आएगी। इस देश को बचाना है तो भाजपा को लाना ही होगा। भाजपा भाजपा आप बोल रहे हैं आप, अरे मैं क्या बोलूँ, तब भाजपा अच्छी है, भाजपा ने काम किया है, कोई कहीं चोरी छिना सब मन पर चुनाव होते हैं तो आइए ना मैदान में, जिसको आना है। जनता पार्टी बनी थी 77 में, दो साल इमरजेंसी लगी थी, सारी पार्टियां टूट गई, एक निशान बना था। त्याग करना पड़ता है पार्टी चलाने के लिए, है किसी के पास लोभी लाल। भाजपा तो सब इधर उधर के लोगों को बटोर कर रही है, बटोर लेंगे हम। एक दिन ऐसा तो सिद्धांत और विचारधारा की पार्टी थी, एक दिन ऐसा आएगा इस चुनाव के बाद सारी पार्टियों की मान्यता समाप्त हो जाएगी। मान्यता के लिए 6% वोट चाहिए, है किसी के पास? एक बसपा का विधायक हुआ जो नारा देते थे तिलक तराजू और तलवार, कहीं मुकदमा हुआ? सब जब खड़ा होता है ना, राम खड़े हुए 10 मूड़ था, रावण के 1 मूड़वा है, कुल हार जाएंगे। उस बेग के आगे कोई टिकता नहीं, जाओ अपनी दुकान लगाओ कहीं, अरे जाओ और पूछो लोगों से। आप किस पार्टी के? मैंने बता दिया, मैं भारतीय जनता पार्टी का हूँ, जिला अध्यक्ष रहा 2000 में, 91 में चुनाव लड़ा, मैं तो बता दिया। 2000 में अध्यक्ष थे जी, 91 में चुनाव लड़ा था, यहाँ से 2000 में जिला अध्यक्ष था जी, अकबरपुर विधानसभा से। तो लोग कहते हैं कि 2014 के पहले वाले भाजपा के लोग पुराने वाले और जो नए आए हैं इनमें बड़ा अंतर है, पुराने लोगों को पार्टी में पूछ नहीं है, आप 2000 में जिला अध्यक्ष गलत कहते हैं। आपकी पार्टी होती है, पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, हम तो 40 साल से कर रहे हैं। क्या पद के लिए काम करते थे? पद के लिए नहीं करते थे, हम लोग देश के लिए काम करते हैं। हम भारत माँ के सुत हैं, पद यश की हमको चाह नहीं, हम परम वैभव ले जाना चाहते हैं भारत, किस लिए लगे हुए हैं। अब वो साबित करेंगे उस बीच को दिखाएंगे, पद के लिए नहीं लड़ रहे हैं। आप भाजपा के जिला अध्यक्ष होकर बताइए, हम यहाँ बैठे, आप 20 साल पहले जिला अध्यक्ष, पार्टी से कुछ मिला नहीं? पार्टी क्या देगी, पार्टी के पास क्या है? पद पैसा प्रतिष्ठा दे रहे हैं, अपने जीवन को दिए देंगे, आप क्यों परेशान है? अरे हम कह रहे हैं कि इतने आप जिला के अध्यक्ष रहे थे, हाँ नहीं चाहिए, नहीं मिला है, नहीं चाहिए।